नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं स्वच्छ इंडिया न्यूज चैनल। आइए बात करते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी खबरें। एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की कानपुर टीम के तत्वाधान में सिद्धनाथ मंदिर जाजबहू में गरीब असहाय और जरूरतमंद परिवार को वस्त्र व बिस्कुट वितरण समारोह का भव्य आयोजन किया गया। बता दें जिसका नेतृत्व एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज दिलीप कुमार मिश्रा ने किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि संस्थान विगत 6 वर्षों से समाज के हित के लिए कार्य करती आ रही है और आज संस्था ने देहरादून से आए बीटेक के छात्र दर्श सक्सेना, वैष्णवी मिश्रा, श्रेय शिव हरे के सहयोग से जाजबहू में महिलाएं, पुरुषों व बच्चों को वस्त्र वितरण किए गए। वहीं नन्हे मुन्ने बच्चों को बिस्कुट भी वितरित किया गया। संस्था समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाले को भी सम्मानित करती रहती है। वहीं डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर जगमहेंद्र अग्रवाल ने कहा कि हर संपन्न व्यक्ति को आगे चलकर ऐसी संस्था की मदद जरूर करनी चाहिए। बता दें एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के सीनियर प्रेस सेक्रेटरी कमल सिंह यादव ने कहा कि संस्थान लगातार गरीब, असहाय और जरूरतमंद की मदद करती आ रही है। जो छोटे लोग समाज में उत्कृष्ट कार्य करते हैं उनको सम्मानित करके उनका उत्साह वर्धन भी ये संस्था करती है। ये संस्था अब अंतर्राष्ट्रीय संस्था बन चुकी है। इसमें देश व विदेश के हजारों लोग जुड़कर समाज के हित के लिए कार्य कर रहे हैं। वस्त्र व बिस्कुट पाकर बच्चों के चेहरे खिल उठे। बता दें बीटेक के छात्र दर्श सक्सेना ने कहा कि एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की टीम सराहनीय कार्य कर रही है। हम लोग लगातार संस्था के साथ कार्य कर रहे हैं और संस्था से हमें ये सीख मिली है कि अपने लिए तो हर व्यक्ति जीवन जीता है, जो जीवन दूसरों के हित के लिए जिया जाए उससे आत्मा को शांति और ज्यादा मिलती है। बता दें इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से दिलीप कुमार मिश्रा, कमल सिंह यादव, जगमहेंद्र अग्रवाल, ममता मिश्रा, दर्श सक्सेना, वैष्णवी मिश्रा, श्रेय शिव हरे आदि लोग मौजूद रहे। एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में सिद्धनाथ घाट जाजबहू में गरीब बच्चों को वस्त्र एवं बिस्कुट का वितरण किया गया। हमारे साथ देहरादून के 3 छात्र जो कि सेमेस्टर का कोर्स करते हुए पढ़ाई कर रहे हैं, उन्होंने इसमें तन मन धन से सहयोग करके ये संस्था के लिए एक गरीब बच्चों के लिए एक निःशुल्क कपड़ा वितरण और बिस्कुट वितरण का आयोजन किया। हमारी संस्था विगत 6 सालों से लगातार यह कार्य करती चली आ रही है। आज हर्ष का विषय है कि हमारे साथ ये 3 बच्चे ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। ऐसा ही कार्यक्रम हम लोग लगातार करते आएंगे। धन्यवाद। बेटा हटो, तुम लोग के नीचे की फोटो आ जाए। आप लोग हट जाओ जरा सा। हाँ, आप लोग को भी फोटो आ जाए ताकि